बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ फ्लेयर डाइलाइन फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूंगी, जो हम कम कपड़े में ज़्यादा फ्लेयर वाली फ्रॉक बनाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चले आए, चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्लेयर डाइलाइन फ्रॉक बनाने के लिए ये मेरे पास जो कपड़ा है, ये तकरीबन 2.25 गज़ कपड़ा है। इस कपड़े में हम 10 से 12 साल की बच्ची के लिए खूबसूरत सा फ्रॉक तैयार करेंगे, जिसकी मैं कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। जितना आपके पास बच्ची की लेंथ का साइज़ है आप उतना ही रखें। मेरे पास जो लेंथ का साइज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास इस तरह जो तैयार फ्रॉक है वो है, उसकी लेंथ तकरीबन इस तरह 33 इंच, और मैं ये तकरीबन 2-2.5 इंच ज़्यादा रखूँगी, जो हमारा सिलाई और कटिंग का मार्जिन होगा। तो इस तरह से हम कपड़े को माप लेंगे। और इस तरह कपड़ा डबल करके हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये कपड़ा जब हमारे पास बचेगा, इससे हम बाजू तैयार कर लेंगे। और ये मेरे पास इस तरह कपड़े की, ये देखें, चार तार तैयार हो गई हैं। ये इस तरीके से, ये जो हमारी रेब आ रही है, ये हम जब तीरे की कटिंग करेंगे तो उसमें हमारी ये रेब ख़त्म हो जाएगी। इस तरह आप कपड़े को उठा के मैं अपने सामने इस तरह सेट कर लूँगी और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के लिए मेरे पास जो तीरे का साइज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास जो तीरे का साइज़ है वो तकरीबन 13 इंच है, और ये मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह इसको डबल करके तीरे पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद जितना हमने कंधा रखना है उस पर भी हम निशान लगा लेंगे। मैंने इसका कंधा तकरीबन 6-6.5 इंच तैयार करना है, तो इस तरह 5.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और इस तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इंची से इस लाइन के ऊपर इस तरह बराबर सेट करते हुए अब जितनी आपके पास इसकी चेस्ट का साइज़ हो उतना साइज़ रखें आप। मैंने इसकी चेस्ट 18 इंच तैयार करनी है, तो 18 का हाफ 9 इंच हो जाएगा। इस तरह से मैं 9 इंच पर एक निशान लगा लूंगी और इसको हम इस तरह हल्की सी गुलाई कर लेंगे इसकी। ये हमारी कंधे की कटिंग का निशान हो जाएगा। इसके बाद हम कमर पे निशान लगा लेंगे। बच्ची के लिए जो कमर की इस तरह लंबाई की तरफ हम निशान लगाएंगे वो तकरीबन हम 4.5 इंच पे लगा लेंगे। बड़ी अगर आप फ्रॉक कटिंग करेंगी तो आप 6 इंच पे निशान लगाइएगा। इस तरह ये 4.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब जितना हमारे पास कमर का साइज़ होगा, ये देखें इस तरीके से, उतना हम निशान लगा लेंगे। मेरे पास इसकी कमर का साइज़ जो है वो तकरीबन 17 इंच है, और ये 8.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। और ये जो मैंने इधर फिटिंग के लिए निशान लगाया हुआ है, इस निशान को इस तरह मैच करके हम इस तरह एक तिरछी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ये निशान जो मैंने कमर का लगाया, इंची स्टेप को इस तरह आप तिरछा सेट करके तो इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर ले। इस तरह निशान लगा के सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग कर ले। कटिंग करने के बाद आप ये जो हमारा कटिंग का एक्स्ट्रा पीस निकला हुआ है इसको इस तरीके से बराबर कर लें। ये पीस मैंने इस तरह से बराबर कर लिया है। अब हम इस साइड को इस साइड पे इस तरह पलट के, तो इसके जो ये जो मेरे पास इसका ये वाला कंधे की कटिंग वाला हिस्सा है, इसको मैं इस तरीके से इसके नीचे ऐसे सेट कर लूँगी।
जी, तो इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया। अब जितनी ये हमारे पास, ये देखें मैंने कमर का निशान लगाया हुआ था 4.5 इंच, ये इस तरह से यहाँ तक ये कपड़ा जो है हम ये पैनर वाला 1/2 इंच ऊपर की तरफ इसको निशान लगा के बढ़ा के 1/2 इंच, तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इसकी कटिंग हो गई। अब हम इसको इस तरह 3/6 इंची स्टेप सेट करके, ये देखें तकरीबन 1.25 इंच पे इस तरह आप निशान लगा लें। ये 1/2 इंच हमारा इस तरफ सिलाई में आ जाएगा, और जब हम ये सिलाई लगाएंगे फिटिंग की, तो ये 1/2 इंच हमारा इसमें कवर हो जाएगा। 1 इंच पे आप इस तरह निशान लगाएं, और यहाँ से इंची स्टेप इस तरह सेट करके यहाँ तक भी आप एक तिरछी लाइन ड्रॉ करें। और इसकी कटिंग कर लें। अब इस तरह से 4 इंच इस साइड पे निशान लगा लें, और इसकी भी हल्की सी इस तरह गुलाई कर लें। जी, तो ये हमारी फ्लेट ए लाइन फ्रॉक की कटिंग हो गई है। ये देखें कितनी सिंपल और आसान तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। इसको सिलाई करने का भी बड़ा आसान सा तरीका है। इस तरह से ये जो हमारे पास ये 4 कलियाँ हैं, इस तरीके से ये हम इस तरह दोनों साइड पे, ये जो शर्ट के हमारे पास 2 एक ही सिरे पे हम फ्रंट साइड पे अटैच कर लेंगे, और 2 जो हैं वो बैक साइड पे अटैच कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन कटिंग समझ आई होगी। अगर आपके पास कम घेर में कपड़ा है, कम मरस में कपड़ा है, तो इस तरह से आप उसकी कटिंग करें, आपके पास बहुत ही खूबसूरत सी एयरलाइन फ्लाइट फ्रॉक बन के तैयार हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।